ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله خبردار جو اللہ دے دوست نے لا خوف علیہم انہاں کوئی ڈر نہیں ہوئے گا ولا ہم یحزنون اور نہ ہی او غم کھان گے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد کوئی نو ٹھیک کرنا لگے گا میرا خیال ہے کوئی چوتھا جمعہ ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ سپیکر تہاڈا سیٹ نہیں یہ دیکھو والیم دا مسئلہ ہے دے مائک دا مسئلہ ہے انہوں ٹھیک کرو بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا گیارواں سپارہ سپارے دا رکوع بارواں سورت دا نام سورہ یونس سورت دا رکوع ستواں اللہ خالق و مالک نے دنیا دے اندر انبیاء علیہ الصلات والسلام نو مبعوث فرمایا اور اللہ ذوالجلال دے نبیاں دے بارے بالاتفاق ہر مسلمان دا اے عقیدہ کہ ساری کائنات دے انساناں چوں سب نالوں اعلیٰ افضل بہتر اور برتر انبیاء علیہ الصلات والسلام دی جماعت کیونکہ وہ اللہ دے مقرب نے رب دی طرفوں بھیجے ہوئے نے اور انہاں دی طرف اللہ دا پیغام آندا ہے وہی آندی ہے انبیاء علیہ السلام دے بعد
अल्लाह दे प्यारे मुकर्रबीन जिन्हानू औलियाउर रहमान कहा जाता है, औलियाउर रहमान वली दा मान है, असल दे अंदर दोस्त, वली दा मान है साथी। अल्लाह रब रहमान ने उन्हां लोगों नूं कैसा मर्तबा ते शान अता फरमाया कि जिन्हां नूं रब ने अपना दोस्त आखिया, रब दे दोस्त, अल्लाह दे साथी, रब दे प्यारे। और मेरा ये दावा है कि अंबिया अलैहिम सलाम दे बाद इस उम्मत दे सब नालों वड्डे रब दे वली ओ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा दी जमात है। अगर मैं ये कहा कि इस उम्मत दे सब तो बड़े अंबिया दे बाद रब दे मुकर्रब ते अल्लाह दे वली और मेरे सिद्दीक ने, प्यारे फारूक ने, उस्मान व हैदर ने, तलहा व जुबैर ने, साद ते सईद ने, अमीन उम्मत उबैदा इबने जर्राह ने, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अल्लाह जिथे तेरे ए नबी दे सहाबा ते तेरे वली लेटे ने इन्हां ते करोड़ा अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमाना। ए रब दे वली उम्मत दे अंदर सब तो ज्यादा नबी दे बाद मकाम औलियाउर रहमान यानी सहाबा दा मकाम, और फिर दर्जा बदर्जा जिन्ना कोई अल्लाह दे करीब से आदा, जिन्ना रब ना ताल्लक से आदा, जिन्ना रब ना वास्ता से आदा, तकर्रब से आदा, ओना शान से आदा, ओना माशरे दे अंदर वकार से आदा। और मैं सदके जाव आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने जिस बंदे नाल अल्लाह मोहब्बत फरमांदे ने ए बड़ी किस्मत दी गल है जे नसीब हो जाए। जिस बंदे नाल अल्लाह जुल जलाल मोहब्बत फरमांदे ने रब्बुल आलमीन फरिश्ते जिबरील नूं फरमांदे ने जिबरील फला बंदे नाल मैं मुहब्बत करना ते तू भी मुहब्बत करया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिबरील फला बंदे नाल मैं मुहब्बत करना ते तू भी ओदे नाल मुहब्बत करया कर। ते जिबरील फिर सारे फरिश्तियां दे सरदार ने ना, जिबरील सारे फरिश्तियां नूं फरमांदे ने फला बंदे नाल अल्लाह मुहब्बत करदे ने ओदे नाल तुसी भी मुहब्बत करया करो। ते फिर दर्जा बदरजा अल्लाह जुल जलाल जमीन ते बसने वाले इंसाना दे दिलां दे अंदर इस बंदे दा प्यार ते मुहब्बत पैदा फरमा देंदे ने। फिर अल्लाह जुल जलाल दी जमीन ते बसने वाले इंसान जेड़े ने ओ भी उस बंदे नाल मुहब्बत करना शुरू कर देंदे ने। यानी अंदाज की होएगा अल्लाह मुहब्बत कर देने, अल्लाह अपने जिबरील नू आर्डर फरमान देने, जिबरील ओदे नाल मुहब्बत कर देने, जिबरील अगे फरिश्तियां नू हुक्म देने देने, फरिश्ते भी उस अल्लाह वाले ना मुहब्बत कर देने। फिर अल्लाह जमीन ते रहन वाले इंसाना दे दिलां विच ओदे बारे मुहब्बत पैदा फरमा देंदे ने। फिर सारी दुनिया दे लोग भी उस बंदे नाल उस अल्लाह दे वली
ਬੜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾ ਇਨਨਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ अल्लाह दे वली जेड़े ने उन्होंने कोई डर भी नहीं ते कोई गम भी कोई डर भी नहीं ते कोई गम भी नहीं सुभान अल्लाह। आइए जरा नोट फरमाना, मेरा दिल करदा के अल्लाह दे वली ते ए आसमान दे छत अले और जमीन दे सीने ते बेशुमार अल्लाह दे वली मौजूद ने मौजूद रहने ते कयामत तक वलायत दा सिलसिला चलदा रहेगा। और ए बात दिलो दिमाग दे अंदर मुनक्किश कर लो के नबुवत जेड़ी है ओ एक वहबी अता है अल्लाह जिन्नू अता फरमा छड़े। कोई बंदा अगर ए दावा करे मैं नमाजा ज्यादा पढ़ांगा रोजे ज्यादा रखांगा सदका ज्यादा करांगा खैरातां ज्यादा देंगा जकात मैं ज्यादा अदा करांगा नेकी दे काम ज्यादा करांगा मसाजिद मदारस दा मैं जेड़ा तावन ज्यादा तो ज्यादा करांगा ते नतीजा ये निकलेगा कि मैं रब दा नबी हो जावांगा। रब दा नबी नहीं कोई हो सकदा। ए वहबी चीज है कसबी चीज नहीं कि बंदा मेहनत करके कोशिश करके तहज्जुद पढ़ के नमाजा पढ़ के रोजे रख के अल्लाह दा कुरब हासिल कर ले और फिर जनाब ए रब दा नबी बन जाए। ए वहबी चीज है कसबी चीज नहीं और वलायत ऐसी चीज है कि जेड़ी कसबी चीज है हुंदी ते रब दी तरफों ही अता है हुंदा ते रब दा ही खास फजल है। अल्लाह अपने किसे बंदे नु ए तौफीक अता फरमा देवे वरना ए उर्फ आम दे अंदर एक बंदा नमाजी है रात वेले उठ के तहज्जुद पढ़ता ज्यादा तो ज्यादा नवाफल अदा करता हर महीने दे ओ अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया तीन रोजे रखिया करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया सोमवार दा ते जुमेरात दा रोजा रखिया करो यानी ये सारे नेकी दे काम करदा कुरान नाल दिल लगा लैंदा मस्जिद दीयां सफाइयां पिया करदा मस्जिदां दीयां सफा सिद्धियां करदा पिया इथों जनाब सफाइयां करदा अपने रब नूं राजी करदा। लोकी आंदे ने फलाना ते वली है फलाना ते वली है क्यों वली आखिया वली दा माना दोस्त एक दोस्त शैतान दे ने एक दोस्त रहमान दे ने लोकी आंदे ने ए ते अल्लाह दा वली बन गया क्यों नमाजा बहुतियां पढ़दा रोजे बहुते रखदा सदका खैरात बड़ा करदा नहीं करन जोगा ते माड़ियां दी खिदमत करदा इस वास्ते फलां बंदे दे अंदर ऐसियां खसलतां पैदा हो गईयां ने कि वो अल्लाह दा वली बन गया। वली ते जमीन दे सीने ते बेशुमार पैदा होए ने कयामत तक पैदा हुंदे रहनगे। मैं एक अल्लाह दे वली दा तज़किरा करना चाहना अल्लाह अल्लाह कौन है इमामुल मुहद्दिसीन और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीद हजरत सैयद कौन मुहम्मद बिन इस्माइल जिन्नो इमामे बुखारी दे नाम ना याद कीता जांदा रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उस वली ते अपने उस बंदे दी कबर ते करोड़ा रहमता नाजल फरमा। मैं उस अल्लाह दे वली दा तज़किरा करना चाहना ऐ दिन जेड़े लोगां दे मसाजिद मदारस ना कोई ताल्लुक राबता ते वास्ता रहिंदा उहनां नूं पता कि इन्हां दिनां दे अंदर मदारस दे अंदर तकारीबे सही बुखारी शरीफ जेड़ियां ने उह कीतियां जांदियां ने तलबा सारा साल बुखारी शरीफ पढ़ते ने ते ऐ
साल का आखिर यानी रमजान उल मुबारक तो पहले शाबान उल मुअज्जम का जेड़ा महीना एदे अंदर सही बुखारी इख्तिताम तक पहुंच दिए और एदा मतलब ए वे कि हुण इन्ने मुस्तफा दी प्यारी जखीरा अहादीस नो अपने सीने दे अंदर महफूज कर लिया। सीरत इमाम बुखारी दे हवाले ना तकारीब हुंदिया ने दुरूस हुंदे ने और हदीस दी अजमत दे उनवान नाल ए जनाब तकारीब बुखारी शरीफ हुंदिया ने। मेरा दिल करा मैनू एक दोस्त ने मुसलसल कई अरसे तो कि इमाम बुखारी रहमतुल्ला अलैह दे हवाले नाल और अल्लाह दे वली अवैस करनी दे हवाले ना कुछ बयान करो। मैनू एक दोस्त ने बैरून मुलक तो फोन किया, उन्हें हजी असी इमाम बुखारी का जिक्र सुनना चाहते हैं तुहाडे को सुनना चाहते हैं। तो मेरा दिल करता मैं अज तुहानू उस अमीर उल मोमिनीन फिल हदीस और इमाम उल मुहद्दिसीन मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे हालात जिंदगी हालात वाकयात तो बिल इख्तिसार आगाह करा, उन्हां दी रिवायात ते बहस करना, संतां ते बहस करना। ए अगरचे इल्मी हलकियां दा एक अलग उनवान ते मजमून है लेकिन मैं तुहाडी समझ वाले मसाइल ते वाकयात जेड़े ने कोशिश करांगा तुहाडे तक पहुंचा सका। परवानेओ कुरान दियो ए बात ज़हन नशीन फरमा लो के अल्लाह दे वली अल्लाह जुल जलाल दे मुकर्रब होया करदे ने और इन्हां लोगां दे बारे कुरान ने आखिया अल्लाह फरमांदे ने अला इन्ना औलिया अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार खबरदार अल्लाह दे वलिया नू डर भी कोई नहीं हुंदा। की माना ओना दे सीने च अल्लाह दे इलावा किसे दा डर हुंदा? बोलो डर हुंदा। अल्लाह दे इलावा ओना दे सीने दे अंदर किसे दा डर नहीं जे होया करदा। सुबहान अल्लाह। और कुरान दा दूसरा मकाम अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। दो वली ने दो किस्म दे दोस्त ने दो किस्म दे साथी ने एक अल्लाह दे साथी ने एक शैतान दे साथी ने। एक अल्लाह दे वली ने एक शैतान दे वली ने फर्क बड़ा है। अल्लाह दे वलियां दा ते शैतान दे पैरोकारां दा अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह ज़ीना। कुरान में तेरी अजमत तो सदके जावां लख वार कुर्बान जावां। कुरान ने कैसे प्यारे अंदाज ना गल समझाई है अल्लाह वली जुल्लज़ीना आमनो युखरिजुहुम मिन ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफरु औलियाउहुम अत्तागूत युखरिजुनहुम मिन नूर इला ज़ुलुमात ओलाए।